देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजन वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि अब हम दोस्त नहीं हैं, मुझे ना ही तो इनका मुद्दा और ना इनका मसला कभी क्लियर लगता है। पारस के बिना इस शो में ये जीरो हैं। क्या इस बार माहिरा हो जाएंगी घर से बेघर? जी हाँ, इस बार बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान सभी घर वालों के बीच माहिरा टारगेट होती नजर आएंगी, जिसमें घर वालों ने माहिरा को नॉमिनेट करते हुए पारस को इसकी वजह बताया। वहीं विशाल और आसिम ने माहिरा को पारस से अलग करते हुए बिग बॉस के घर का सबसे कमजोर और जीरो बताया। क्योंकि अब हम दोस्त नहीं हैं, मुझे ना ही तो इनका मुद्दा और ना ही इनका मसला कभी क्लियर लगता है। पारस के बिना इस शो में ये जीरो हैं। साथ ही कहा कि माहिरा घर वालों के मुद्दों में कूदती है। इसी तरह माहिरा भी विशाल और मधुरी माँ को टारगेट करते हुए उन्हें एक दूसरे के साथ होते हुए भी जीरो बताती है। इसके अलावा घर वालों का दूसरा टारगेट शिफाली बग्गा बन जाती है। घर वालों ने भी उन्हें नॉमिनेट करते हुए खुद के मुद्दे न होने की वजह बताई। अब जाहिर सी बात है कि माहिरा और शिफाली बग्गा घर वालों द्वारा नॉमिनेट करने पर नॉमिनेशन में होने वाली प्रक्रिया की लिस्ट में शामिल हो जाती हैं। अब देखना होगा कि इस बार कौन घर से बेघर होता है।